गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर जयश्री महाजन। मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है। आज जो है हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि बाबा पीरियड्स मतलब कि जो मासिक धर्म है, इस टाइम पे आप सेक्स मतलब आप इंटरकोर्स संबंध रख सकते हो क्या। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इस पर यूजुअली हम बात करने में बहुत हिचकिचाते हैं, वी फील अनकम्फर्टेबल। तो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग और मैंने ये टॉपिक को सेलेक्ट किया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पीरियड्स, ये पीरियड एक्चुअली वो क्या रहती है, तो पीरियड्स मतलब हर महीने के एंड में आपको ये पीरियड्स मतलब मासिक धर्म आ जाता है। और वह किस तरह आता है, आपके जो एंडोमेट्रियम रहती है, आपके गर्भाशय की जो वॉल रहती है, वो जो उस दिन शेड ऑफ हो जाते हैं, उस दिन आपको पीरियड्स आ जाती है। और ये शेड ऑफ क्यों होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी ना रुकने की वजह से जो अनफर्टिलाइज एक है और जो यूटेरस की कुछ लाइंस है, वो बिकॉज ऑफ द ओवर हार्मोन्स, हार्मोन के फ्लक्चुएशन की वजह से यूटेराइन लाइंस, फिर अनरप्चर एग्स, ये सभी चीज़ें शेड ऑफ होके आपके वजाइना से नीचे आ जाना शुरू हो जाती है और आपको मासिक धर्म आ जाता है। ओके, तो इन पीरियड्स के टाइम पे अगर आपने संबंध रखा या फिर इंटरकोर्स किया, तो क्या ये गलत है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन डू इंटरकोर्स एट द टाइम ऑफ योर मेंस्ट्रुएशन, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई कई महिलाएं इस टाइम में इंटरकोर्स करने के वजह से भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि फिर अगर आप इस टाइम पे इंटरकोर्स कर रहे हो, तो यू हैव टू यूज़ अ कंडोम फॉर दैट टाइम, क्योंकि इसके वजह से जो इन्फेक्शन है मेल पार्टनर को, वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके लिए यू शुड यूज़ अ कंडोम ऑन दैट ओकेजन, मतलब मासिक धर्म के टाइम पे अगर आप रख रहे हो, इंटरकोर्स कर रहे हो, तो आपको कंडोम यूज़ करना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे हो, तो इस टाइम का यूज़ भी आप प्रेगनेंसी के लिए रख सकते हो। सब कुछ नहीं है कि बाबा इन दिनों में अगर आप कांटेक्ट रख रहे हो तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। हाँ, देर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज नॉर्मली प्रेगनेंसी जो है वो रुकने का चांसेस, और 49 डेज जो है वो बीच के जो 10 डेज रहते हैं आपके मासिक धर्म के, उसमें आते हैं। मतलब फर्स्ट 10 डेज और लास्ट 10 डेज को छोड़ के जो बीच वाले 10 डेज रहते हैं फर्टाइल डेज, उसमें हम यूजुअली पेशेंट्स को इंटरकोर्स के लिए बोलते हैं। ओके, लेकिन अगर आप पीरियड्स के टाइम पे इंटरकोर्स कर रहे हो, तो आप कुछ गलत कर रहे हो, या फिर ये एक गलत चीज़ है, ये जो एक मिथ्स है हमारे सोसाइटी में, ये रॉन्ग है। ओके, इसके वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, ये मेडिकली रॉन्ग नहीं है। ओके, आई होप मेरा जो एक स्मॉल मैसेज है इस वीडियो के जरिए, जो मेरे को बताना है आपको, वो आप तक पहुंच गया होगा। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो, मेरे टॉपिक्स अच्छे लगते हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।